में राज्य सरकार की ओर से खोले गए राजकीय महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों के प्रति खासा उत्साह देखा जा रहा है। राजकीय महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों के दाखिले के लिए अभिभावकों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। वहीं जयपुर के तोपखाना स्थित राजकीय महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल की इमारत और अन्य सुविधाओं का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उद्घाटन करेंगे। इस स्कूल में नए सत्र से स्टूडेंट्स की अटेंडेंस फेस रीडिंग से होगी। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इस स्कूल में सुविधाओं को विकसित किया गया है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि राजकीय महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में लॉटरी के जरिए प्रवेश दिया जा रहा है। राज्य सरकार की ओर से अब तक प्रदेश में करीब 2700 राजकीय महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय प्रदेश में 2300 राजकीय महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने की योजना है। कई स्कूलों में विभाग की ओर से आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस और एग्रीकल्चर स्ट्रीम शुरू किए जाएंगे। इंग्लिश मीडियम के जो स्कूल हैं उनमें कोशिश रहेगी कि वहाँ अच्छे कक्षा कमरे हों, लैब्स हों, लाइब्रेरी हों, और इसके साथ साथ प्राय कुछ स्कूलों को हम ऐसे बना रहे हैं जिसमें सारी फैकल्टीज हों, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, एग्रीकल्चर। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है, और आपने देखा होगा विद्याधर नगर की एक स्कूल में 30 सीटें थी और 2600 एप्लीकेशन आई थी पत्रकारों के सामने। पत्रकारों ने उसमें लॉटरी निकाल के और बहुत साधारण से साधारण गरीब विद्यार्थियों का वहाँ पे एडमिशन हुआ, और वो आज बहुत खुश हैं। भरतपुर शहर में नगर निगम के सामने स्थित